तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को आदेश दे रहे हैं, तत्समे पार्थ रूपाणि, मेरे रूपों को देखो। तो भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि मेरे रूपों को देखो, मेरा विश्व रूप देखो। तो भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं, है ना। अर्जुन ने पिछले श्लोक में भगवान से कहा था, यदि आप समझें कि मैं देख सकता हूँ आपके रूप को, तो आप मुझे अपना रूप दिखलाइए। तो अर्जुन का कोई भगवान के ऊपर दबाव नहीं था, क्योंकि भक्त जो है भगवान के ऊपर कभी दबाव नहीं डालता कि मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो, मुझे अपना रूप दिखलाओ। इस प्रकार से अर्जुन का जो है भाव नहीं है, है ना। तो और अर्जुन ने पिछले श्लोक में ये भी कहा कि आप जो कुछ कहते हैं उसको मैं मानता हूँ। तो ये नहीं है कि अर्जुन कहें कि नहीं, आप मुझे अपना पहले ये विश्व रूप दिखलाइए, तब मैं आपको मानूंगा कि आप ईश्वर हैं। तो वास्तव में अर्जुन की जो भावना है वो ये है कि वे तो समझ रहे हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, और श्री कृष्ण ने अपने 10वें अध्याय में विभूतियों का वर्णन किया। तो अर्जुन सब कुछ मान रहे हैं, लेकिन अर्जुन ये सोच रहे हैं कि आगे चल करके बहुत से मूर्ख लोग भी अपने को ईश्वर कहेंगे, और कहते हैं बहुत से लोग अपने को ईश्वर कहते हैं, है ना। तो अर्जुन जो है श्री कृष्ण की ईश्वरता को स्थापित करने के लिए चाहते हैं कि श्री कृष्ण अपना रूप ऐसा दिखलाएं, अपना ईश्वरीय रूप दिखलाएं, ताकि कोई व्यक्ति जो है अगर अपने को ईश्वर कहे, तो उसके लिए भी एक चुनौती हो जाएगी। तो श्री कृष्ण भगवद गीता में अपने को ईश्वर बता रहे हैं, जबकि अपने पूरे जीवन काल में वो मनुष्य की लीला करते हैं, अपने को ईश्वर नहीं कहते हैं। कोई अगर उनको ईश्वर कहता है तो श्री कृष्ण उस बात को बदल देते हैं और मनुष्य की तरह जो है अभिनय करते हैं, लीला करते हैं। तो श्री कृष्ण अपने को घोषित नहीं करते ईश्वर, लेकिन वे अब यहाँ अर्जुन के सामने जो है अपने को ईश्वर घोषित कर रहे हैं। तो अर्जुन की बहुत इस संबंध में चिंता है कि ऐसे बहुत से मूर्ख लोग होंगे अपने को ईश्वर घोषित करेंगे, तो श्री कृष्ण अगर अपने को ईश्वर कहते हैं तो सब लोग देखें भी इस बात को, समझें भी इस बात को कि वे श्री कृष्ण ईश्वर हैं, और संपूर्ण विश्व जो है भगवान अपने शरीर में दिखलाते हैं। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन की जो भावना है वास्तव में वो नहीं है कि मतलब उनको देखने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें से मैं थोड़ा पठ करूँगा जो श्री भगवान ने कहा कि व्याख्या है। यहाँ पर श्री कृष्ण इस श्लोक में सर्वप्रथम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द है पश्य, अर्थात देखो। श्री कृष्ण अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि वे देखें। श्री कृष्ण चूँकि असली भगवान हैं, इसलिए वे यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं देखो। जो बनावटी भगवान होते हैं वे ऐसा नहीं कह सकते हैं। जो बनावटी भगवान होते हैं वे कहते हैं तुम्हारे अंदर यदि ऐसी भावना होगी तो तुम्हें दिखाई देगा। आप समझ रहे, जो नकली भगवान होते हैं कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, मुझे ईश्वर मानो। अगर आप उनको कहें कि आप अपना विश्व रूप दिखलाइए तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ वे कहते हैं तुम्हारे अंदर अगर ऐसी भावना होगी तो तुम्हें दिखाई देगा, तुम्हारी श्रद्धा होगी तो तुम मुझे देख पाओगे, तुम्हें अपनी श्रद्धा जागृत करनी पड़ेगी। यदि तुम्हारी भावना सच्ची है तो मैं भगवान के रूप में तुम्हें दिखाई दे सकता हूँ। इस प्रकार अनेक प्रकार के शब्दों के जाल बनाकर वे लोगों को भ्रमित करते हैं, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण शब्दों के जाल ना बनाकर सीधे अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि अर्जुन देखो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि वे श्री कृष्ण के दिव्य रूपों को देखें। यहाँ तो अर्जुन की श्रद्धा है कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखला रहे हैं। परंतु जहाँ तक दुर्योधन की बात है, वो तो श्री कृष्ण को ईश्वर ना समझकर सामान्य मनुष्य समझता था। महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 130 और 131 में वर्णन आता है कि जिस समय उसने श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए सेना तैयार की, उस समय श्री कृष्ण ने सभा में सभी के सामने दुर्योधन को भी देखने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्बुद्धि दुर्योधन,
तू मोह बस मुझे अकेला समझ रहा है और मेरा तिरस्कार करके जो मुझे पकड़ना चाहता है ये तेरा अज्ञान है। देख सभी पांडव यहाँ हैं, अंधक और वृष्णवंश के वीर भी यहीं मौजूद हैं, आदित्यगण रुद्रगण और महर्षियों सहित वसुगण भी यहीं हैं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अट्टहास किया। उस समय श्री कृष्ण के अंगों में स्थित विद्युत के समान कांति वाले अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले देवता आग की लपटें छोड़ने लगे। श्री कृष्ण के ललाट में ब्रह्मा जी और वक्षस्थल में शिव जी विद्यमान थे। समस्त लोकपाल श्री कृष्ण के भुजाओं में स्थित थे। श्री कृष्ण के मुख से अग्नि की लपटें निकलने लगी। आदित्य साध्य वसु दोनों अश्विनी कुमार इंद्र सहित मरुदगण विश्वदेव यक्ष गंधर्व नाग और राक्षस भी उनके अंगों में प्रकट हो गए। उनके दोनों भुजाओं से बलदेव और अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। दाहिनी भुजा में धनुर्धर अर्जुन और बाईं में हल धारण किए हुए बलदेव जी थे। भीमसेन युधिष्ठिर नकुल सहदेव श्री कृष्ण के पीछे थे। प्रद्युम्न आदि वृष्णवंश योद्धा हाथों में विशाल आयुध धारण किए श्री कृष्ण के अग्रभाग में प्रकट हुए। शंख चक्र गदा शक्ति सारग धनुष हल और नंदक नामक खड्गे ऊपर उठे हुए समस्त आयुध श्री कृष्ण के अनेक भुजाओं में दिखाई दे रहे थे। श्री कृष्ण के नेत्रों से नासिका के छिद्रों से और दोनों कानों से सब ओर भयंकर धूमयुक्त आग की लपटें प्रकट हो रही थीं। समस्त रोमकूपों से सूर्य के समान दिव्य किरणें छिटक रही थीं। श्री कृष्ण के उस भयंकर स्वरूप को देखकर सभी राजाओं के मन में भय समा गया और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। उस समय भक्ति के कारण और श्री कृष्ण के द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टि के कारण द्रोणाचार्य भीष्म विदुर संजय और उपस्थित महर्षियों को की आंखें विस्मय से खुली हुई थी। ये सब लोग देख पा रहे थे। क्यों? उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, विस्मय से उनकी आंखें खुली थी। उस सभा भवन में देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और वे श्री कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय धृतराष्ट्र ने कहा, किसने कहा? धृतराष्ट्र ने कहा, हे श्री कृष्ण मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। क्या कहा? हे श्री कृष्ण मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए, मेरे पास नेत्र नहीं है परंतु आज मैं आपसे दोनों नेत्र मांगता हूं। क्या मांगता हूं? आज मैं आपसे दोनों नेत्र मांगता हूं, केवल आपका दर्शन करना चाहता हूं। जीवन भर धृतराष्ट्र की कोई इच्छा नहीं थी कि अपने पुत्रों को देखें, अपनी पत्नी को देखें, किसी को, लेकिन आज मैं क्या चाहता हूं? केवल आपका दर्शन करना चाहता हूं, आपके सिवा किसी और को मैं नहीं देखना चाहता हूं। बस केवल आपका दर्शन करने के लिए क्या करो, मुझे नेत्र दे दो। किसने कहा? धृतराष्ट्र ने कहा। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से उनके विश्व रूप का दर्शन करने की इच्छा से दो दिव्य नेत्र प्राप्त कर लिए। उस समय श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की ओर देखकर कहा, राजन ये दुष्ट कौरव यदि मुझे बलपूर्वक पकड़ सकते हैं तो आप इन्हें आज्ञा दे दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, यदि दुष्ट कौरव मुझे बलपूर्वक पकड़ सकते हैं तो आप इन्हें आज्ञा दे दीजिए, फिर देखिए कि ये मुझे पकड़ पाते हैं या मैं इन्हें बंदी बनाता हूं। यद्यपि मैं इन समस्त कौरवों को बांध लेने की शक्ति रखता हूं तथापि मैं किसी प्रकार भी कोई निंदित कर्म नहीं करूंगा। यदि मैं आज ही इन कौरवों और इनके अनुगामियों को कैद करके पांडवों के हाथ में सौंप दूं तो क्या बुरा होगा? ये दुर्योधन जैसा चाहता है वैसा ही हो, मैं आपके सभी पुत्रों को इसके लिए आज्ञा देता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने उस रूप को, उस दिव्य अद्भुत और विचित्र ऐश्वर्य को समेट लिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण असली परमेश्वर होने के कारण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन उनके विश्व रूप को देखें। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान जो है जब तक अपना कठोर रूप नहीं दिखलाते हैं, अपनी कठोरता नहीं दिखलाते हैं, तो जो दुष्ट लोग हैं वो सीधे नहीं होते। जैसे चांद काजी को जो है भगवान चैतन्य का इतना सुंदर रूप था, मधुर रूप था, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, वो निंदा कर रहा था, कीर्तन रोक दिया, निमाई पंडित ये भी बिगड़ गया है, ये क्या कर लेगा। लेकिन जब वही नरसिंह के रूप में जब आए चैतन्य महाप्रभु, तो उसके छाती में अपना नाखून घुसेड़ दिए, तब बात किया, तब उस समझ में आया कि हाँ आप सही हो मैं गलत,
मैं नालायक हूँ, आप सही हैं। तो इस समस्या यही है कि जब तक भगवान जो है अपना भयानक रूप और अपना जो है कठोरता ना दिखाएं, तो कठोर स्वभाव वाले जो है वो सुधरते नहीं, है ना। तो अर्जुन की इच्छा थी, अर्जुन की इच्छा थी, कितने जो है मतलब दुष्ट लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई गीता में कृष्ण अपने को ईश्वर कहते हैं, तो हम भी अपने को ईश्वर, हम भी भगवान हैं। या कई लोग कहते हैं हम भी भगवान, आप भी भगवान, सब भगवान, है ना। तो दिखाओ अपना विश्व रूप। तो विश्व रूप में भगवान ने जो है हजारों सूर्यों के समान तेज प्रकट किया, तो आप अपने शरीर में जुगनू का जो तेज है वही दिखा दो, जुगनू का प्रकाश भी निकाल के दिखाओ अपने शरीर से, है। और भगवान ने जो है संपूर्ण लोक और चर अचर संपूर्ण विश्व दिखलाया, आप यहाँ गढ़ी का दिखा दो, थोड़ा सा गढ़ी का ही दर्शन करा दो अपने शरीर में, है ना। तो कहने का मतलब है कि अर्जुन जो है उनकी बड़ी दूर की दृष्टि थी, इसलिए भगवान से मतलब प्रार्थना कर रहे हैं। और अर्जुन की यही चिंता है कि कृष्ण है मतलब अपने को ईश्वर कह रहे हैं, मैं तो मान रहा हूँ, लेकिन दूसरे लोग कहेंगे अर्जुन ने मान लिया क्योंकि अर्जुन तो उनके मित्र थे, तो ठीक है भी हमारे भी आप मित्र, हमको भी मानो ईश्वर। तो किसी व्यक्ति ने ऐसे मुझसे भी कहा था, मैंने कहा भाई अपना विश्वरूप दिखलाओ, है ना। तो फिर बोले विश्वरूप तो मैं दिखा रहा हूँ, तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम देख नहीं पा रहे हो। तो मैंने कहा कि ये भी सही है कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आप दिखा रहे हैं। और अर्जुन ने, भगवान ने अर्जुन से भी कहा था कि तुम नहीं देख पाओगे नेत्रों से, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ, आप मुझे दिव्य नेत्र दीजिए। तब उनकी उनका बोलना बंद हुआ, अब उनके पास कोई उत्तर नहीं था। भगवान कहते हैं तुम मेरा विश्वरूप नहीं देख सकते इन नेत्रों से, तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। तो यह मतलब यहाँ पर पूरी बात आती है, क्योंकि भगवद गीता का जो है ये 11वां अध्याय है, ये पूर्णता, इसमें जो है पूर्णता है कि कृष्ण ईश्वर है, कृष्ण परमेश्वर है, खाली कहने की बात नहीं है, है ना। नहीं तो हर कोई जो है मतलब कहने के लिए तैयार है ना। दिखाओ कुछ, अगर है तो कुछ दिखाओ, है ना। तो दिखाने की शक्ति नहीं है किसी के अंदर, इसलिए जो है ये जो अध्याय है ये बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। और विशेष रूप से ऐसे जो दुष्ट हैं, चालाक हैं, चालाकी से जो है बातों का जाल बनाते हैं और जो है घुमाते फिराते हैं और जो है अपनी चाल चलते हैं, गलत चाल चलते हैं, उनके लिए जो भगवान का विश्व रूप है ये विशेष रूप से जो है सुधारने के लिए है, तभी सुधरते हैं, नहीं तो सुधरते नहीं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय।